क्या दिन भर इसी में घुसा रहता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? 26 साल का हो गया है, मैंने तुझे तेरे तरीके से पढ़ाया, तूने कोर्स करना चाहा मैंने कोर्स कराया, तूने ग्रेजुएशन करना चाहा मैंने ग्रेजुएशन कराई, तूने कहा तुझे 6 महीने बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस 6 महीने को 2 साल हो चुके हैं, मैं तुझे कब तक खिलाता रहूंगा, तू कब जॉब ढूंढेगा? वही तो कह रहा था। और भाई क्या हाल? यार मैं तो बहुत तंग हूँ, डैड रोज आते रहते हैं कि जॉब क्यों ढूंढता, बता क्या मैं वेला घूम रहा हूँ, कितने रिज्यूम दे लगा चुका हूँ, कितने इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर कोई आंसर ही नहीं आता, बता यार मैं क्या करूँ? तेरा ग्राफिक डिजाइन का काम भी बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे जॉब मिल जाएगी। अगर यही सब चलता रहा तो क्या होगा हमारी शादी का? मेरे पापा मेरी शादी कहीं और फिक्स कर रहे हैं, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। पिछले 5 सालों से मैं यही उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि कब तुम्हारी जॉब होगी और हमारी शादी होगी। अगर तुम्हारी जॉब नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ भाग के भी शादी नहीं कर सकती। तुम बताओ मैं क्या करूं? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। डैड अब मैं ये सब नहीं झेल सकता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसमें मेरी क्या गलती है? डैड थोड़े पैसे देना। थोड़े क्यों, ज्यादा लो, घूमो फिरो ऐश करो, नौकरी तो करनी नहीं है, यूजलेस, टोटली यूजलेस। यस डैड यू आर राइट, आई एम यूजलेस। जिंदगी एक संघर्ष है और आत्महत्या ही इसका संविधान नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो सफलता कभी ना कभी जरूर मिलेगी।